गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को लेसन फोर्थ क्लोथ्स अवर प्रोटेक्टर्स हाफ रीड किया था. आई होप आप सब ने बुक रीड की होगी, लेसन रीड किया होगा और आपको सब समझ आ गया होगा. उस ट्यूसडे को हमने रीड किया था क्लोथ्स फॉर विंटर समर एंड रेनी सीजन, मतलब हमें कौन कौन से कपड़े विंटर में पहनने चाहिए, समर में कौन से और रेनी सीजन में कौन से, और कपड़े पहनने से हम कैसे दिखते हैं, इस बारे में हमने रीड किया था. और 2 MCQs थे स्टूडेंट्स, आपको खुद सॉल्व करने थे. अगर आपने कर लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लीजिए एक बार. फर्स्ट है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कपड़े हमारी रक्षा करते हैं किससे, हीट से, डिजीज से, एनिमल से. आंसर आएगा हीट से, गर्मी से. सेकंड है वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं, इन विंटर, इन समर, व्हेन इट रेन्स, इन समर. आंसर क्या आएगा, इन समर. ओके, आगे देखिए हाउ क्लॉथ्स आर मेड, आगे लेसन रीड कर रहे हैं हम. हाउ क्लॉथ्स आर मेड, कपड़े कैसे बनते हैं, इस बारे में रीड करेंगे आज हम. क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक्स, कपड़ा जो है, कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, कपड़ा सॉरी जो ये कपड़े होते हैं हमारे वो किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ मटेरियल, मतलब कपड़े के सामग्री से, मटेरियल मतलब सामग्री या फिर पदार्थों, मतलब अलग अलग तरह के पदार्थों से मिलकर बनते हैं, और फैब्रिक्स, फैब्रिक मतलब रेशे, अलग अलग प्रकार के रेशों से और अलग अलग पदार्थों को मिलाकर के कपड़ा बनता है. कैसे बनता है देखिए, द फैब्रिक्स आर मेड बाय वीविंग द फैब्रिक्स द फैब्रिक्स, फैब्रिक्स मतलब कपड़ा, द फैब्रिक्स आर मेड बाय, कपड़ा बनता है बाय वीविंग द फाइबर्स, फाइबर को मतलब रेशे को बुनने से, वीविंग मतलब बुनना मतलब बुनाई करने से क्या बनता है, फाइबर सॉरी फैब्रिक, मतलब रेशे की बुनाई से क्या बनता है, फैब्रिक, कपड़ा बनता है. फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स, जो रेशे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे और बिल्कुल बारीक थ्रेड होते हैं, बिल्कुल बारीक धागे बनते हैं फाइबर से, रेशे से. देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर, दो प्रकार के फाइबर होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक फाइबर प्राकृतिक रेशे, एंड सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम रेशा. ओके, सेकंड है कृत्रिम रेशा. अब देखिए फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर्स, मतलब प्राकृतिक रेशे. द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जो रेशे हम प्राप्त करते हैं प्राकृतिक स्रोतों से, जैसे कि प्लांट और एनिमल से, मतलब पेड़ पौधों से या फिर एनिमल से, जानवरों से हम प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे. कैसे हैं देखिए, कौन कौन से हैं, कॉटन वूल एंड सिल्क आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. देखिए हमारा पीछे आया था, थर्ड क्लास में भी आया है, कॉटन किससे मिलती है हमें, कॉटन प्लांट से, और वूल शीप से, सिल्क वर्म से. ओके, तो हमारे ये क्या है, सब नेचुरल फाइबर्स हैं. ओके, वी गेट, अभी मैंने आपको बताया, वी गेट कॉटन प्लांट्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, हम कॉटन किससे लेते हैं, कॉटन प्लांट से. वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हम वूल किससे प्राप्त करते हैं, शीप से, भेड़ से. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हम सिल्क जो कपड़ा है, हम किससे सिल्क प्राप्त करते हैं, सिल्क नाम का, रेशमी नाम का एक कीड़ा होता है, उससे हम सिल्क प्राप्त करते हैं. ओके, आगे देखिए सेकंड, सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशे. दी फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल्स बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर्स, जो रेशे मनुष्य द्वारा केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं,
मतलब जो रेशे मनुष्य केमिकल की हेल्प से बनाता है, केमिकल्स की सहायता से बनाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशे बोलते हैं। ओके, कौन कौन से हैं? देखिए, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन, ये कपड़ों के प्रकार हैं। ओके, रेयॉन आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दी क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली रिंकल फ्री। द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होता है हमारा, जो मतलब सिंथेटिक बिल्कुल स्मूथ कपड़ा होगा और वो सिल्क से भी थोड़ा सा होगा, सिल्क जैसा ही होगा। ओके, द क्लॉथ मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होगा वो जनरली कैसा होगा? रिंकल फ्री, मतलब उसमें रिंकल्स नहीं होंगे, सिलवटें नहीं होंगी। ओके, सम आर वाटरप्रूफ एंड सम ड्राई वेरी क्विकली, कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो वाटरप्रूफ होंगे और कुछ कैसे होंगे? ड्राई वेरी क्विकली और जल्दी सूख जाने वाले होंगे। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रोंगर देन द नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर मतलब मजबूत होता है। सिंथेटिक फाइबर मजबूत होगा किसकी बजाय? नेचुरल फाइबर की बजाय। ओके, कॉटन का जो स्टफ़ होगा, कॉटन का कपड़ा जल्दी से फट जाता है, लेकिन सिंथेटिक का कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा नहीं फटता। ओके, वो मजबूत होता है। ओके, तो मतलब नेचुरल फाइबर की बजाय सिंथेटिक फाइबर मजबूत है। ओके, केयर ऑफ क्लॉथ्स, अब हमें किसके बारे में रीड कर रहे हैं? केयर ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स की केयर किस प्रकार करनी चाहिए वो देखिए। प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ्स कीप देम इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम जब कपड़ों की प्रॉपर केयर करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, तो वो अच्छे से देखभाल करते हैं तो वो किस कंडीशन में रहते हैं? अच्छी कंडीशन में रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए। ओके, अगर हम कपड़ों की अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे हम न्यू ड्रेस डालकर सो जाएंगे तो हमारी वो न्यू ड्रेस ख़राब हो सकती है ना, तो उस इसलिए अगर हम उसे चेंज करके सोएंगे तो वो ठीक रहती है, और हैंड वॉश करेंगे तो वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। ओके, आगे देखिए, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स इन दी फॉलोइंग वेज, हम हमारे कपड़ों की इन तरीकों की सहायता से केयर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट है, वी शुड ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट टू वॉश क्लॉथ्स, हमें अच्छी क्वालिटी का साबुन और डिटर्जेंट मतलब सर्फ यूज़ करना चाहिए कपड़े वॉश करने के लिए। वी शुड वॉश ड्राई एंड आयरन एंड द क्लॉथ्स प्रॉपरली, हमें कपड़ों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, अच्छे से सुखाना चाहिए और अच्छे से प्रेस करना चाहिए कपड़ों को। ओके, आगे देखिए, थर्ड है, वी शुड वॉश वुलन क्लॉथ्स विद लिक्विड डिटर्जेंट दैट आर मेड स्पेशली फॉर वुलन क्लॉथ्स, हमें वी शुड वॉश वुलन क्लॉथ्स, हमें वुलन के कपड़े धोने चाहिए। किससे धोने चाहिए हमें? लिक्विड डिटर्जेंट से। लिक्विड डिटर्जेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ईजी हो गया ना, जैसे ईजी होता है ना, उससे हमें वॉश करने चाहिए, जो स्पेशली किसके लिए बने हैं? वुलन क्लॉथ को वॉश करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, फोर्थ देखिए, वी शुड गिव डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो हमारे डेलिकेट एक्सपेंसिव वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, जो हमारे अच्छे, जो हम मतलब मैरिज वगैरह पे डालते हैं, जो अच्छे क्लॉथ्स होते हैं, वो हमें क्या करना चाहिए? ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए। ओके, वी शुड रैप सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स इन अ कॉटन क्लॉथ, हमें क्या करना चाहिए? जो सिल्क का कपड़ा होता है, जो सिल्क का हमारा सूट होता है या साड़ी होती है या शर्ट जो भी होता है, उसे हमें रैप करना चाहिए, मतलब उसे किसके अंदर लपेट के रखना चाहिए? एंड वुलन क्लॉथ्स, और वुलन के कपड़ों को और सिल्क के कपड़ों को हमें किसके अंदर रैप करके रखना चाहिए? कॉटन के कपड़े में। एंड देन स्टोर देम, और उन्हें रख देना चाहिए विद ड्राइड नीम लीव्स,
और उन्हें रख देना चाहिए। उनके साथ क्या रखना चाहिए, नीम की सूखी पत्तियों को रखना चाहिए और नेप्थालीन बॉल्स मतलब फिनाइल की गोलियों को रख देना चाहिए। उससे क्या होगा, कपड़ों में कीड़े की इंसेक्ट्स नहीं लगते। ओके, इट विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक मॉथ एंड सिल्वर फिश, और उनमें क्या होगा, इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे इस रीज़न से। ओके, एंड सिल्वर वो हमारे कपड़ों की प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। ये नेप्थालीन की बॉल्स होती हैं जो नीम लीव्स होती हैं, तो इनकी इनसे ये मौत होता है कि ये जम्सी होता है बेटा, इंसेक्ट होता है, सिल्वर फिश इस तरह के ये कपड़ों में हो जाते हैं और ये कपड़ों को क्या कर देते हैं, अंदर से अंदर ही अंदर वो क्या कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक होल कर देते हैं कपड़ों के अंदर, अगर ये ज़्यादा टाइम कपड़ों के अंदर रह जाए तो। ओके, ये अगर हमें इनसे बचाना है हमारे कपड़ों को तो हमें ये नीम की पत्तियों को या फिर फिनाइल, इन्हें क्या बोलते हैं, फिनाइल की गोलियाँ, इन्हें रख देना चाहिए कपड़ों में। ओके, इससे हमारे कपड़े क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट, हमारे कपड़े सेफ रहेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन कंप्लीट होता है और आगे हैं हमारे टू कीवर्ड्स हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ओके, फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो रेशे बनाए जाते हैं, जो रेशे हम प्राप्त करते हैं प्लांट से और एनिमल से, वो क्या होते हैं, नेचुरल रेशे, और सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो मनुष्य द्वारा केमिकल से बनाए जाते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स, कृत्रिम रेशे। ओके स्टूडेंट्स, आपको टू कीवर्ड्स लर्न करने हैं, लेसन रीड करना है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। घर पर रहिए स्टूडेंट्स और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।